दोस्तों आइडल के दोनों ही एपिसोड इस बार जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ खत्म हुए, जहां पहला एपिसोड एचआर सर को डेडिकेट था। उस एपिसोड में हिमेश जी को सभी परफॉर्मेंस डेडिकेट की गई और ये मौका था सुरूर एल्बम की रिलीज़ का, जो हिमेश जी का तीसरा बड़ा एल्बम है। और हिमेश जी इस एपिसोड में हमें उनके वही पुराने अंदाज में नज़र आए, और उनकी जब स्टेज पर एंट्री होती है तो कंटेस्टेंट उन्हें उनके पुराने लुक में देखकर शॉक हो जाते हैं। बात करें अगर दूसरे एपिसोड की, तो दूसरा एपिसोड रहा भारत की फरमाइश के नाम, यानी कि हर एक कंटेस्टेंट के लिए उनके सबसे बड़े वाले फ़ैन मिलने आए थे और उनके लिए लेकर आए थे एक फरमाइश। तो दोस्तों इन दोनों ही एपिसोड के निचोड़ की अगर बात करें और बात करें दर्शकों से मिलने वाली वोटिंग की, तो इस बार फिर से इस लिस्ट में आ चुके हैं पवनदीप राजन, सवाई भट्ट और अरुणिता कांजीलाल। और ये टॉप थ्री कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट ऐसा है जिसने एक बार फिर से नंबर वन की कुर्सी पर हाथ मार दिया है, और वो है पवनदीप राजन। जी हाँ, उत्तराखंडी कंटेस्टेंट पवनदीप राजन ने इस कुर्सी पर एक बार फिर से राज किया है और दर्शकों का प्यार लेते हुए वो नंबर वन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पवन का ये क्रम आगे भी जारी रहेगा या फिनाले की रात उन्हें कोई ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है? आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ।